एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज वीडियो की शुरुआत में एक प्यारी सी जगह से करते हैं जिसे देखकर आप सभी का मूड भी फ्रेश हो जाएगा। जी हाँ, ये है डेकोर दुनिया, जहाँ आपको आपके घर से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने वाली है। एज ए डेकोर आप अपने घर को बहुत ही प्यारा लुक दे सकते हो। तो मैं कल गई हुई थी मार्केट और रास्ते में मुझे ये शॉप मिला, और शॉप में एंटर होते ही ना, मैं सच बोल रही हूँ, बता नहीं सकती, मतलब इतनी कंफ्यूज थी कि क्या छोड़ूँ क्या लूँ, क्योंकि सारी चीज़ें इतनी प्यारी थी और आपके घर को बहुत प्यारा लुक दे सकती थी। आप जिस थीम से अपने घर को सजाना चाहते हो वो सारी चीज़ यहाँ अवेलेबल थी। और सबसे बड़ी बात ना, सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस इसलिए हुई कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ना जो मुझे लोकल मार्केट ऑफलाइन कभी नहीं मिलती थी। मैं हमेशा उसे ऑनलाइन ही सर्च किया करती थी और ऑनलाइन मंगाती भी थी। जैसे थ्रो हो गए, थ्रो मैंने काफ़ी ढूंढा है सोफ़े के, बट मिलते ही नहीं है। ऊपर से जो राउंड वाले रग होते हैं, राउंड वाले कारपेट होते हैं, जो आप यहाँ है देख रहे हो हैंग किया हुआ है जूट वाले, वो भी अवेलेबल नहीं है लोकल मार्केट में। वो मुझे ऑनलाइन ही मंगाना पड़ता था जब भी मुझे वैसा कुछ चाहिए होता था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल थी। बहुत तरह तरह के पॉट थे जो मैंने ऑनलाइन ही देखा था, सच बोल रही हूँ, मैंने ऑफलाइन नहीं देखा था। ये आप जैसे देख सकते हो, ग्रास रिलेटेड ऐसे कुछ है, ब्राउन वाला जो है, मैं इसका नाम नहीं जानूंगी, बट ये सब भी मैंने ऑनलाइन ही देखा है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी ना जो सच में लग रहा था कि इसे मैं ना छोड़ूं, लेते ही चलूं। जैसे कि बोहो स्टाइल वाले जो कुशन कवर होते हैं, प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है उनका, बट बहुत ही अच्छा लुक देते हैं। वो बहुत सारे थे, तरह तरह की वैरायटी थी, आपको जैसा पसंद आप वैसा ले सकते हो। उसके बाद पफ जो सिटिंग स्टूल होते हैं ना, वो यहाँ तरह तरह के थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे, बट प्राइस थोड़ा था। देखिए, अगर इस तरह की शॉप में आप जाओगे ना तो थोड़ा सा तो प्राइस रहता ही रहता है। आपको बार्गेनिंग करके अगर थोड़े बहुत कम में मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आपको वही पे करके लाना पड़ेगा। बट हाँ, चीज़ें बहुत अच्छी थी। अगर अच्छी चीज़ें में हम पे भी करते हैं ना तो फिर वो अखरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात ना, कई बार ऐसा होता है ना कि हमें तुरंत डेकोर करना है और सामान भी हमें तुरंत चाहिए, तो जब आप ऑनलाइन कुछ भी मंगाते हो तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आपके लोकल मार्केट में वो सारी चीज़ें मिल रही है तब तो फिर बहुत अच्छा है, आप जाके तुरंत उठा के ला सकते हो। तो अब मेरी दिवाली वाली टेंशन खत्म हो गई है। मुझे अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं यहाँ पक्का आके यहाँ से लेके जाऊँगी, क्योंकि घर के सामने भी है और प्राइस है, बट चीज़ें पसंद आ रही है। ओके, तो वहाँ से लौटने के बाद रात काफ़ी हो चुकी थी, तो रात में मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, बच्चे निकल गए थे स्कूल के लिए, ये भी चले गए हैं अपने काम में, और चाय भी हमने पी लिया था साथ ही में, तो अब मुझे भी लगना है अपने काम में। तो जब हम डेली एक ही काम करते हैं ना तो थोड़ी बोरियत भी होती है और माहिर भी हो जाते हैं हम काम करने में, क्योंकि डेली हम एक ही काम कर रहे हैं तो जो हमारी रूटीन होती है ना वो सेट हो जाती है। लेकिन उस बोरियत का क्या करें? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि काम करने की इच्छा भी नहीं है, मन भी नहीं है, बोरियत सी लग रही है, बट काम भी करना है, तो आखिर करे तो करे क्या? ओके, तो जिस दिन भी मेरे साथ ऐसा होता है ना कि काम करने की इच्छा जरा से भी नहीं होती है, मन थोड़ा सा भी नहीं होता है काम करने में, बोरियत सी लग रही होती है, बट काम करने होते हैं, क्योंकि उसे भी हम इग्नोर नहीं कर सकते ना ही स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपने घर को इतना टाइम दिया, इतनी मेहनत की है आपने अपने घर के पीछे, और आपका घर इतने अच्छे से व्यवस्थित हो रखा है, और अगर आपने इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाई ना तो उसे बिगड़ने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। किसी भी चीज़ को करने में ना मेहनत टाइम दोनों लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, बट जब वो चीज़ को आप ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो बिगड़ने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। ओके, तो जब भी मेरा मूड कुछ इस तरीके से होता है ना तो मैं क्या करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो घर के काम तो देखे कभी नहीं छूटने वाले हैं, वो आपको करने ही है, आप चाहे जैसे जिस तरीके से करो। तो जब भी आपका मूड इस तरीके का होना तो बहुत ही प्रैक्टिकल होम हैक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैं यूज करती हूँ, और मेरे घर के काम बहुत अच्छे से होते हैं और वैसे ही होते हैं जैसे मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, और मन भी बहुत ज़्यादा लगता है घर के काम करने में। तो जब भी इस तरीके का मन होना आप क्या करना, आप अपने क्लीनिंग डस्टिंग जैसे करते हो वैसे ही करना, उसके साथ साथ क्या करना ना, कहीं किसी कॉर्नर का थोड़ा बहुत डेकोर कर देना, या कहीं किसी जगह थोड़ा बहुत कुछ डेकोर रिलेटेड चीज़ें ऐड कर देना। उसके बाद देखना आपको काम करने में कितना ज़्यादा मन लगने वाला है, क्योंकि सुंदर चीज़ें ना आँखों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और उसे देखने के बाद ना मन खुद ब खुद लगना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं, मुझे अपने घर को बहुत अच्छे से रखना है, सजाना है, संवारना है, व्यवस्थित करना है। हम जो हाउसवाइफ होती है ना, हमारे लिए हमारा घर बहुत मायने रखता है। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चले जाए, जब वापस अपने घर आते हैं ना तो जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है। और सच बोल रही हूँ, हमें ना बहुत बड़ी बड़ी खुशियाँ नहीं चाहिए होती, हम छोटी छोटी खुशियों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और वो छोटी छोटी खुशियाँ ना हम घर के कामों में ही खोज निकालते हैं, तभी हमारा दिन चलता है और हमारे सारे काम इतने अच्छे से होते हैं।
कुछ भी करने के लिए ना अपने आप को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप खुश हो तो आपके सारे काम भी अच्छे से होने हैं और दिमाग भी सही से चलना है सारी चीज़ों में। तो बस वही है, इसीलिए घर में ही ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ आप अपने लिए खुशियाँ ढूंढ सकते हो। तो इसी एक थिंकिंग के साथ मैं अपने घर के काम स्टार्ट करती हूँ और छोटी छोटी चीज़ों से खुश रहने की कोशिश करती हूँ। सच बोल रही हूँ, कहीं भी किसी भी एक कॉर्नर में अगर मैंने छोटा सा भी प्लांट लगा दिया ना तो उससे मुझे बहुत सारी हैप्पीनेस मिलती है, बहुत ज़्यादा मैं खुश होती हूँ। तो मैं ना कभी भी दिवाली, दुर्गा पूजा ऐसे फेस्टिवल का वेट नहीं करती हूँ अपने घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए, बहुत ज़्यादा अपने घर के डीप क्लीनिंग के लिए, कि मैं क्योंकि मैं हमेशा अपने घर में लगी रहती हूँ और इसी से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी मिलती है कि थोड़े थोड़े टाइम में अपने घर को सजाना, संवारना, अपने घर का लुक चेंज करना, तो वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा खुशी देती है। तो बच्चों के बेडरूम की क्लीनिंग हो चुकी थी, बेडरूम मैंने सेट कर दिया था, बस थोड़ा बहुत स्टडी टेबल की क्लीनिंग बाकी थी, वो मुझे करनी थी। और अच्छा, दो क्वेश्चन ना मेरे चैनल में हमेशा आते हैं, एक तो मेड से रिलेटेड जिसका आंसर मैंने कई बार दिया है, और सेकंड है मेरे घर के इंटीरियर से रिलेटेड कि क्या आपने अपने घर को इंटीरियर डिजाइनर से डेकोर करवाया है, डिजाइन करवाया है, या फिर आपने खुद ही किया है। तो मैंने ना कई बार इस कमेंट का आंसर दिया है, बट जब भी कोई होम टूर वाला वीडियो देखते हैं ना तो ये कमेंट आना ही आना है। तो मैं फिर से अगेन एक बार बताना चाहूँगी कि मैंने कभी भी ना किसी भी इंटीरियर डिजाइनर से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया, कभी भी ना सलाह मशवरा किया, ना ही कभी उन्हें हायर किया। इसके दो रीज़न थे, पहला तो था कि वो लोग थोड़े सा, उनका जो बजट होता है ना वो हाई होता है और उतना हमारे बस की बात है नहीं, और सेकेंड था ना मुझे अपने घर को एकदम सिंपल रखना था, एकदम सिंपल कि घर घर जैसा लगे। तो इसीलिए मैंने इंटीरियर डिजाइनर नहीं हायर किया, ना ही वो लोग से कांटेक्ट किया, ना ही वो लोग से सलाह मशवरा लिया। मैंने जो किया अपने से किया, खुद का दिमाग लगा कर किया। और सच बोलूँ ना, जो भी थोड़ा बहुत काम मैंने अपने घर में करवाया है ना उसके बाद मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, एकदम संतुष्ट हूँ अपने घर के काम को देखकर। जो भी है थोड़ा बहुत है, सिंपल सुअर है, प्यारा साया है, जैसा मुझे चाहिए था, बहुत ज़्यादा हौच-पौच मुझे नहीं चाहिए था, तो सेम वैसे ही है। मैं अपने घर को थोड़ा सा खुला खुला रखना चाहती थी इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा भरा भी नहीं है। आप चाहे फर्नीचर देख लो या डेकोर रिलेटेड सामान देख लो, मैंने बहुत कम रखा है ताकि थोड़ा सा घर नाइस स्पेसियस लगे, खुला खुला लगे। तो यही होते हैं घर के काम। मैं सिर्फ इंटीरियर रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, घर के कोई भी काम अगर आप खुद से कर रहे हो ना तो उसकी खुशी दुगुनी होती है क्योंकि आपने उसमें अपना 100% दिया है। और घर ना बहुत बड़ी चीज़ हमारे लिए होती है, मैंने पहले भी कहा है, क्योंकि हमारा पूरा दिन इसी घर में जाता है। डेली डेली किनको आप देख रहे हो कि वो मार्केट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं कहीं ना कहीं घूमने, आधा से अधिक टाइम तो हमारा घर में ही जाता है। वीक में अगर कभी किसी दिन निकल गए तो निकल गए, नहीं तो वो भी नहीं। तो इसीलिए उस घर को कैसे, क्या, किस तरीके से रखना है ना, वो हमारा हक सबसे पहले बनता है। तो जी, ये है उस कमेंट का आंसर कि मैंने जो भी थोड़ा बहुत भी घर में काम करवाया है ना वो खुद की दिमाग से करवाया है, मतलब थोड़ा बहुत मैंने गूगल में सर्च कर लिया था कि मुझे क्या कैसे करना है और उसके हिसाब से मैंने काम करवाया। और इस तरीके से जब आप काम करवाओगे ना तो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है पता है, बजट आपका बिल्कुल नहीं गड़बड़ाता है क्योंकि आपको पता है कि आपके घर के लिए कौन सा चीज़ बेस्ट है, कौन सा चीज़ बेटर है। तो जब आप वो वर्क काम करवाते हो तो आप अपने हिसाब से करवाते हो, सारा चीज़ आपके दिमाग में सेट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आप चलते हो। तो जो चीज़ें भी आती है ना, जो सामान भी आते हैं ना, वे वेस्ट ज़्यादा नहीं होते हैं बल्कि उनसे और भी दूसरी चीज़ें भी बन जाती है। जैसे मेरे यहाँ जब कारपेंट्री का वर्क हो रहा था ना तो थोड़े बहुत प्लाई बच गए थे, थोड़ा बहुत सनमाइका बच गया था, क्योंकि जब आप काम करवाते हो ना तो वो एकदम गिन के नहीं आते हैं सामान, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा निकल ही जाते हैं। तो मैंने क्या किया था ना, उन थोड़े बहुत प्लाई को जोड़ जाड़ कर थोड़ा बहुत सनमाइका जो बचा था उनसे मैंने एक साइड टेबल बनवा लिया था। बीच में जब फिर काम हुआ था तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था, तो मैंने उस समय जो वॉल सेल्फ लगी हुई है ना मेरे घर में वो मैंने बनवा लिया था। तो इस तरीके की ना छोटी छोटी चीज़ें आप उससे बना सकते हो जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होती है, और सच में ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो रही हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट होता है जब आप खुद से काम करवाते हो कि अगर एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई हैं तो उससे आप कोई और छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी यूज की हैं वो आप बना सकते हो। तो वही है, तो ऐसे ही चलते हैं हमारे घर के काम। तो कुछ थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने, तो मुझे बनाना था अभी साग, और पालक की साग मुझे बहुत पसंद है। ओके, तो साग बनाने के बाद अगेन मैं आ गई थी अपने बेडरूम, क्योंकि इस वाले बेड में मुझे बेडशीट लगानी थी और कल मैं मार्केट गई थी ना तो ये बेडशीट मैं लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो मुझे अपने इस वाले बेड के लिए एक अच्छी खासी बड़ी कॉटन की बेडशीट चाहिए थी और जिसका बेस वाइट हो, वाइट में ही मुझे चाहिए थी, अगर थोड़े बहुत प्रिंट हो उसमें तो चलेगा। तो सेम टू सेम मुझे वैसी ही मिली है और एकदम परफेक्ट इस बेड के साथ जा रही है, और लगाने के बाद लुक ना बहुत प्यारा आ रहा था।
और एक अच्छी बेडशीट ना आपके पूरे बेडरूम का लुक चेंज कर सकती है। और खासकर जो वाइट बेस वाली बेडशीट होती है ना, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आप कलरफुल लगा के देखना, आपको अपना रूम थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। और अगर आप इस तरीके की बेडशीट लगाओगे तो देखना बिल्कुल चेंज लगेगा। तो मुझे पर्सनली वाइट बेस वाली बेडशीट बहुत ज़्यादा पसंद है। वाइट कलर हो बेडशीट का, बट उसमें हाँ थोड़े बहुत प्रिंट हो तो चलेगा, बट वाइट कलर में हो तो बहुत प्यारा लगता है। और सच में रूम बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो सुबह कुछ ऐसा मूड हो रखा था कि काम करने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही थी, मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, बट जिस थिंकिंग के साथ मैंने अपने घर के काम की शुरुआत की थी ना, वो फाइनली सक्सेसफुल रहा। और उसी थिंकिंग के बेसिस पे मैंने अपने घर के सारे काम डन कर लिए थे। तो अगर आपका भी कभी मन ऐसा हो रखा हो ना, तो आप ये वाले हैक्स जरूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं और बिल्कुल सिंपल हैं। थोड़ा बहुत क्लीनिंग डस्टिंग कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत किसी कॉर्नर को डेकोर कर दीजिएगा, और कुछ ना भी तो एक अच्छी सी प्यारी सी बेडशीट अपने बेडरूम में ऐड कर लीजिएगा। तो मेन मकसद था हमारा अपने घर के काम को अच्छे से कंप्लीट करना, चाहे तरीका कुछ भी हो। तो इस तरीके के तरीके से मैं अपने घर के काम को फिनिश करती हूँ और खुश भी रहती हूँ और अपने घर को अच्छे से व्यवस्थित करके भी रखती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।